NBN National Breaking News, सच्चाई का साथी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसलिए कुरुक्षेत्र युद्ध के एक भी योद्धा का शव क्यों नहीं मिला आज तक। इस वीडियो को आखिर तक देखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो इसलिए जानिए विश्वान महाभारत। महाभारत के युद्ध में बहुत से शूरवीरों ने अपने प्राणों के आहुति दी थी। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने कुरुक्षेत्र की धरती को रक्त रंजित कर दिया था। इतना खून बहा था कि आज भी वहां की मिट्टी का रंग लाल है। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनसे हर कोई परिचित है, लेकिन ऐसा सवाल है जो बहुत सोचने को मजबूर करता है। अगर वाकई ये सब सच है तो उन शवों का क्या हुआ जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने प्राण गंवाए थे? उनके शवों का अंतिम संस्कार कैसे हुआ? श्रीराम ने राम सेतु का निर्माण करवाया था। इस तथ्य के साक्ष्य के रूप में वैज्ञानिकों वह पुल खोज लिया, लेकिन महाभारत का वो भयंकर युद्ध वाकई घटित हुआ था, इसके कोई प्रमाण आज तक हासिल क्यों नहीं हो पाए? ने इन सवालों का जवाब ढूंढते हुए कुछ ऐसी बातें हाथ लगी जिन पर विचार किया जा सकता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए सैनिकों और योद्धाओं के शव या अस्थियां इसलिए हासिल नहीं हुई होंगी क्योंकि आज के दौर में भले ही मारे गए दुश्मन के शव के साथ दुर्व्यवहार किया जाता हो, लेकिन पहले ऐसा दुर्व्यवहार किया नहीं किया जाता था। महाभारत का युद्ध दिन ढलते ही रोक दिया जाता था, तो जो जिन लोगों के शव भूमि पर होते थे उनका अंतिम संस्कार किया जाता होगा या फिर उनके शवों को उनके परिवार को सौंप दिया जाता होगा। अंतिम संस्कार के बाद तो सिर्फ राख ही बचती है। अमल नंदन, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के पौराणिक इतिहास विस्तृत अध्ययन किया है, उनका कहना है कि उत्तरायण के दिन जब भीष्म पितामह ने अपनी अंतिम सांस ली थी, उस दिन युद्ध समाप्त होने के बाद कुरुक्षेत्र की भूमि को जला दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि हर मृत योद्धा को स्वर्ग में जगह मिले और उनके शवों का शुद्धिकरण हो जाए। महाभारत के युद्ध में बहुत कुछ हुआ था जिस पर विश्वास करना कठिन है। शायद यह वजह है कि आज भी बहुत से लोग इसे कल्पनाओं का परिणाम करार देते हैं। युद्ध में जीतने के बाद एक दिन भीम ने आवेश में आकर धृतराष्ट्र को बहुत सी कड़वी बातें कह दी थी, जिन्हें सुनने के बाद धृतराष्ट्र ने पलटकर जवाब तो नहीं दे सके, लेकिन उसी क्षण उन्होंने वनवास का निर्णय कर लिया। धृतराष्ट्र उनकी पत्नी गांधारी, जिसने हर कदम पर अपने पति का साथ निभाने का निश्चय किया था, उन्होंने भी धृतराष्ट्र का हाथ थाम वन में जाने का निर्णय ले लिया। वन जाने का निर्णय धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ विदुर और संजय ने भी उनके साथ जाने का निश्चय कर लिया। वन के लिए प्रस्थान करने से पहले धृतराष्ट्र ने अपने सभी पुत्रों और युद्ध में मारे गए अन्य परिजनों के श्राद्ध के लिए युधिष्ठिर से धन मांगा, लेकिन भीम ने उन्हें धन देने से मना कर दिया। धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और विदुर को वन जाते हुए देखकर दी कुंती ने भी राजपाट छोड़ उनके साथ जाने की ठान ली। पांडवों के आग्रह के बाद भी वह नहीं रुकी और वन चली गई। धृतराष्ट्र ने तपस्या करने का निर्णय ले लिया और वे दिन रात तप में लगे रहते। संजय और विदुर ने गांधारी और कुंती की सेवा करनी शुरू कर दी। करीब एक वर्ष बाद युधिष्ठिर ने अपने प्रियजनों से मिलने के लिए वन जाने की ठानी और उनके साथ हस्तिनापुर के निवासी और अन्य सभी पांडवों समेत द्रौपदी भी वन की ओर चल पड़ी। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती अपने परिवार को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर विदुर वापस लौट गए। युधिष्ठिर उनसे मिलने गए, लेकिन रास्ते में ही विदुर के प्राण निकलकर युधिष्ठिर के शरीर में प्रविष्ट हो गए। अगले दिन वेद व्यास आश्रम में आए तो उन्हें विदुर के निधन का समाचार मिला। वेद व्यास ने बताया कि विदुर यमराज के अवतार थे और युधिष्ठिर में भी उन्हीं का अंश है, इसलिए विदुर की आत्मा युधिष्ठिर में समा गई। वेद व्यास ने सभी जनों से कहा कि आज वह सभी को अपनी तपस्या का प्रमाण देंगे, इसलिए उन्हें जो वर चाहिए वह मांग लें। सभी ने एकमत होकर कहा कि वह एक दिन के लिए ही सही, लेकिन महाभारत के युद्ध में मारे गए अपने प्रियजनों को फिर से एक बार देख सकें। रात होते ही महर्षि व्यास गंगा नदी के अंदर चले गए और युद्ध में मारे गए दोनों पक्षों के योद्धाओं का आह्वान किया। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के पुत्र, पिता और भाई शकुनी, शिखंडी आदि सभी शूरवीर नदी से बाहर निकलकर आ गए। पहली बार इनमें से किसी के भी मन में अहंकार, ईर्ष्या या क्रोध नहीं था।
वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को भी अपने दिव्य नेत्र प्रदान किए ताकि वह भी अपने परिजनों को देख सकें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करें। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो लेके आते हैं। प्लीज आप अपने स्क्रीन पर दिखाए गए एनबीएन वाले सर्कल पर क्लिक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। यह बिल्कुल फ्री है और दिखाए गए अनदर तीनों वीडियो में से कोई भी देखे, यह बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।